अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए बिहार के बरारी शमशान घाट पर खुलेआम सौ के सौदागरों की जेबें गर्म हो रही हैं। मजबूरी ये है कि ऐसे सौदेबाजी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंतिम संस्कार पर 2 से 5 हज़ार रुपये खर्च ना कर पाने वाले लोगों से यहाँ लूट हो रही है। कम कीमत पर अंतिम संस्कार कराने के नाम पर यहाँ पूरा गिरोह सक्रिय है। विलाशों को सीधे गंगा में बहा रहे हैं, ना कोई जांच है और ना ही पड़ताल। नाविकों और घाटों पर अंतिम संस्कार कराने वाले राजा की मिली भगत से ये सब कुछ चल रहा है। ताजुब की बात यह है कि गिरोह में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इससे यहाँ गंगा तो मैली हो ही रही है, साथ ही नमामि गंगे योजना भी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। रोजाना औसतन 5 लाशों को गंगा में इसी तरह फेंका जा रहा है। प्रति लाश 1100 रुपये की दर से 5500 रुपये की वसूली हो रही है। अगर साल का हिसाब लगाए तो यह रकम 20 लाख से भी ज़्यादा है। नगर निगम भी इसे गलत तो मानता है पर रोकने की कोई योजना नहीं है। वहीं जब मीडिया की टीम ने DFO से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि ये काम हमारा नहीं नगर निगम का है। गंगा में डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र बनाया गया है, इसमें मृत पशुओं व इंसानी शवों को बहाए जाने पर हम रोकथाम नहीं कर सकते। ये काम नगर निगम का है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और जब निगम से बात हुई तो उनका कहना है कि कार्रवाई कैसे करें इसके लिए कोई कानून ही नहीं बना है। जबकि हकीकत यह है कि निगम जिला प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के कचरा फेंकने पर रोक लगाई है। ऐसा करने पर 50,000 तक का जुर्माना भी तय है। आधे जले शव व मृत पशुओं के मल मूत्र, गंदे पानी व शहर भर के कचरे को बहाए जाने पर भी कार्रवाई तय है। इस पर जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों ही कार्रवाई कर सकता है।